गुड आफ्टरनून। सो इफ यू आर अ स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर नीट और सीबीएसई एग्जामिनेशन क्लास 11, 12, एनी क्लास, प्लीज मेमोराइज दीज शेप्स। दीज आर पैराबोलिक शेप्स एंड इन फिजिक्स यू वुड फाइंड दीज शेप्स इन मेनी मेनी चैप्टर्स। इन द चैप्टर ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन यू हैव द ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी विच इज पैराबोलिक बिकॉज इट हैज वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। द एक्स कम्स इन अ स्क्वायर। So you must be able to recognize that once you have these equations, the graphical representation of the physical quantity, could be location, could be anything, energy, will be a parabolic one. Memorize this. It also helps you in class 11th in kinematics chapter, where you have S versus T as a parabolic shape. Thank you very much.